बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अखलाक अहमद और आज के न्यू ब्लॉग में खुश आमदीद। आज का ब्लॉग जो मैं बना रहा हूँ ये मैं अपने स्टूडियो में बना रहा हूँ और आज के ब्लॉग में ये मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाह रहा हूँ कि जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी कि मेरी जिंदगी की वो लास्ट वीडियो है, वो इतना हैरान ना हो, वो मेरी जिंदगी की लास्ट वीडियो नहीं थी, वो मेरे पुराने चैनल AO5 TV के रिलेटेड लास्ट वीडियो थी, जिसमें एक के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसका जो बुनियादी मकसद है वो ये था कि मैं अपना चैनल जो है उसका नेम चेंज करके उसको स्पोर्ट टीवी पे लेके गया हूँ और AO5 TV का नाम चेंज करके स्पोर्ट पे लेके गया हूँ कि मुझे न्यूज़ के रिलेटेड जो है, न्यूज़ के रिलेटेड जो भी वीडियोज बनानी है वो मुझे पसंद नहीं, क्योंकि उसमें किसी के ऊपर बोहतान और झूठ भी हो सकता है। लेकर और दूसरी तरफ अगर देखा जाए जो करंटली रिसेंटली मेरा अभी चैनल चल रहा है स्पोर्ट, और इसमें यह है कि मैंने बताया था कि मैं अपनी जितनी भी इनकम होगी उसका 2.6% जितनी चैरिटी बनती है वो लोगों में स्पेंड करूंगा, और इसके साथ साथ जो मेरे अदर सोर्स ऑफ इनकम है उनमें भी जितना हो सकेगा और जितनी उस पर ड्यू चैरिटी होगी वो मैं लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। इसमें बहुत सी चीजें आ जाती हैं जिसमें लोगों की खुराक और इसके अलावा लोगों का रहन सहन और इसके अलावा जो मेरे अपने पर्सनल चीजें हैं जिसके बारे में व्लॉगिंग कहते हैं जिसको, उसकी भी मैं वीडियो बनाया करूंगा और डेली बेसिस पे मेरी वीडियो आया करेगी। और ये इस तरह जो यूट्यूब है ये कोई इस तरह के लोग नहीं है कि आप एक वीडियो बना रहे हैं, मंथ में एक बना रहे हैं और इसके बाद दूसरे मंथ जाके दूसरी वीडियो बना रहे हैं और आपके चैनल को प्रमोट करते हैं। वो देखते हैं कि आपकी कंसिस्टेंसी इसमें कितनी है, आप कितने रेगुलर बेसिस पे आप वीडियोस लेकर आ रहे हैं और इसके अलावा कितने टाइम पीरियड के लिए वीडियोस है। और जैसा कि आपको पता है कि अगर आप रेगुलर बेसिस पे वीडियोस अपलोड करें और अगर सिर्फ एक साल वीडियो अपलोड कर दें आप, तो आपका जो चैनल है वो ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाएगा। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनमें बिल्कुल सबर नहीं होता है, वो कहते हैं कि आज हमने चैनल बनाया तो और रात को हमारे सब्सक्राइबर हो जाए, 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए, वॉच टाइम जो है 4000 आवर्स का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए और इसके बाद जो है मोनेटाइजेशन हमारा चैनल हो जाए और इसमें हमें डॉलर का साइन आना शुरू हो जाए। डॉलर का साइन लोगों को बड़ा अच्छा लगता है कि डॉलर का साइन आना शुरू हो जाए और ताकि उनको पता चले कि हम कुछ अर्निंग कर रहे हैं। भाई यार ये चीजें इतनी जल्दी नहीं होती, इसमें सब्र चाहिए होता है और आपको यकीन होना चाहिए कि इसमें मिलेगा या नहीं। और आप कभी भी ऐसा नहीं करना कि एक काम छोड़ के बिल्कुल YouTube पे रिलाई करना शुरू हो जाओ, आपने ये भी नहीं करना। और आपने हमेशा वो काम करने हैं जो रिस्क जिसमें 60-40 का हो। आपने ऐसा नहीं करना कि 90 और 10 का जो रिस्क हो, आप एक अच्छा काम कर रहे हो उसको छोड़ के आप ये वाला काम शुरू कर दे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप खुद उसके जिम्मेदार होंगे और इस जिम्मेदारी को आप खुद बेयर करेंगे, आपका खानदान बेयर करेगा। और आपने हमेशा अगर कोई काम करना है उसको पार्ट टाइम और मुश्किल मजाजी कंसिस्टेंसी के साथ डेली उसको टाइम दें, और अगर आप उसको डेली टाइम देंगे तो उस ये श्योरिटी उसमें है कि आप उसमें कामयाब हो जाएंगे। और अगर आप एक चीज को एक घंटा देते हो और दूसरे दिन जो है उसको आप बिल्कुल टाइम नहीं देते और थर्ड जो थर्ड डे है आप तीसरे दिन जाके उसको फिर आप आधा घंटा दे देते हो, ये इस तरह से कोई भी चीज, कोई भी बिजनेस, कोई भी जॉब, कोई भी प्रोफेशनल आपका, कोई भी काम आपकी, कोई भी वीडियोस आपका, कोई चीज नहीं चलने वाली, क्योंकि हर चीज जो है टाइम मांगती है और ये डिपेंड करता है कि आप अपना इम्पोर्टेंट टाइम किस चीज को देते हैं। जितना ज्यादा इम्पोर्टेंट टाइम किसी को चीज को देते हैं आप उतना ज्यादा लर्न करते हैं, उतना ज्यादा अर्न करते हैं, और आप जितना अर्न करेंगे आप उतना लर्न करेंगे। और लर्न करना और अर्न करना ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच है, और जो इलम है वो इंसान को हमेशा सरबुलंद रखता है। इस वीडियो के साथ मुझे इजाजत दीजिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं प्यार के साथ आपके साथ स्पोर्ट चैनल पे। थैंक यू सो मच।